दिवाकर फिजिक्स में स्वागत है। चलिए हम आज जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन टू, वन और टू मैंने सॉल्व कर लिया, अभी थ्री और फोर क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है। मैकेनिकल एडवांटेज एम ए, लोड एल एंड एफर्ट ई आर रिलेटेड एज, ये चार ऑप्शंस दिए हैं। तो बेसिक रिलेशन है एम ए इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, तो लोड रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसमें ये वाला डायरेक्ट रिलेशन ये नहीं दिया है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एम ए इंटू ई दिख रहा है ना, एम ए इंटू ई इज इक्वल टू एल, तो ये जो ऑप्शन है ये राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। तो हमेशा जो आप पढ़ते हैं बुक में बेसिक्स, एम ए इज इक्वल टू एल बाई ई, इसी को मॉडिफाई करके दिया है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर रेशियो दिया है तुरंत इस यही राइट होगा बोल के टिक नहीं करना, ठीक है। जैसे ये रेशियो में दिया है तो सबसे पहले ये, तो मैंने ये सब पढ़ के आया तो ये राइट कर देंगे, इसलिए कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। बट एल बाई ई है, यहाँ पर ई बाई एल है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ मशीन इज यूज टू हैव मोर आउटपुट एनर्जी एज कम्पेयर टू इनपुट एनर्जी, तो ये रॉन्ग है क्योंकि मशीन कैन नॉट मल्टीप्लाई फोर्स, सॉरी मशीन कैन नॉट मल्टीप्लाई एनर्जी, तो ये आउटपुट एनर्जी कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता एनर्जी, तब तो ये एनर्जी क्रिएट हो गया। मशीन्स कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो ये रॉन्ग हो गया। एम ए ऑफ मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन, तो ये तो एम ए ग्रेटर देन होता है जो फोर्स मल्टीप्लायर में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इफ अ मशीन गिव्स कन्वीनियंट डायरेक्शन, कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन इट्स एम ए इज ग्रेटर देन वन, तो ये नेसेसरी नहीं है, ये लेस देन वन भी हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग है। फॉर अ गिवन डिज़ाइन ऑफ मशीन इवन इफ मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेस वेलोसिटी रेशियो रिमेंस द सेम, ये सही है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज हम बढ़ा सकते हैं लेकिन जो वेलोसिटी रेशियो है वो डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ये फॉर अ गिवन डिज़ाइन, ये बताया गिवन डिज़ाइन, तो इसका एम ए फिक्स रहेगा, तो ये सही है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। इफ़ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विथ कन्वीनियंट डायरेक्शन हैज़ थ्री मूवेबल पुलीज, देन वेलोसिटी रेशियो इज आइदर सिक्स और सेवन, शुड बी सिक्स, शुड बी सेवन और थ्री। तो इसमें आप ध्यान देना है कि जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पुलीज। तो अभी हम देखेंगे, तो इसमें थ्री पुलीज डाउन है, तो हम देख सकते हैं, तो ऊपर में फोर हो सकते हैं या थ्री हो सकते हैं। तो इसका मतलब, क्योंकि आपने सीखा होगा थ्री होने से यदि टोटल थ्री है तो टू ऊपर एक नीचे होता है, और फोर होने से टू ऊपर टू डाउन, और फाइव होने से थ्री ऊपर टू डाउन, सिक्स होने से थ्री ऊपर थ्री डाउन होगा, और सेवन होने से फोर ऊपर थ्री डाउन हो सकता है। तो देखिए, जो मूवेबल पुलीज है जो लोअर ब्लॉक में, वो थ्री हो सकता है जब उसका टोटल नंबर ऑफ पुलीज सिक्स हो या सेवन हो, तो इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो सिक्स भी हो सकता है, सेवन भी हो सकता है। तो ये पैटर्न से आपको सीखना है, ये इसका आंसर होगा। सो कैन बी आइदर सिक्स और सेवन।
ठीक है, तो ये आ गया आपका नंबर ए, आंसर राइट है इसका, आइदर 6 और 7। तब हम मूवेबल ब्लॉक में हम 3 पुली ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज 0 एट एवरी इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंट के बारे में बताया है ना, एवरी इंस्टेंट के बारे में बताया। तो उसका एवरी इंस्टेंट जब होता है डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है, जब वो कंप्लीट सर्कल करेगा तभी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, हेयर 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 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रिपिटल फोर्स, तो ये सही है। ओके तो ये बी सही है। देर इज़ नो फोर्स एक्टिंग, ऑब्वियसली देर इज़ फोर्स एक्टिंग, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एंड रीजन इज नॉट मेंशन इन द अदर ऑप्शंस। तो यहाँ पर ये रीजन है, सेकेंड वाला राइट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट इज अलॉन्ग द टेंजेंट एंड एंड फोर्स इज अलॉन्ग द रेडियस। तो टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री होगा, इसलिए कॉस 90 0, वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेवेंटीन, आइडेंटिफाई द कंडीशन रिक्वायर्ड टू हियर अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इको बाय ह्यूमंस इन एयर। तो डिस्टिंक्ट इको बनने के लिए कौन से कंडीशन चाहिए, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस राइट होंगे। ठीक है, तो याद रखना है 2 मार्क्स का दिया है तो 2 ऑप्शंस राइट होंगे। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, सो ये नहीं होगा, इट शुड बी स्मूथ सो दैट साउंड कैन बी रिफ्लेक्टेड। ओके, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ साउंड, तो ये भी रॉन्ग है। साउंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकेंड, ये शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड, ये भी राइट है। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है, 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए तभी इको बनेगा। ओके, अदरवाइज 2 साउंड्स विल बी मिक्स्ड। देन इंसिडेंट साउंड शुड हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 25,000 हर्ट्स, तो ये फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा होने का, क्योंकि हमको ऑडिबल साउंड है तो 20,000 के नीचे भी होने से चलेगा ऑडिबल साउंड, तो ये रॉन्ग है। साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड, हाँ ये भी राइट है, लार्जर होना चाहिए, तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सो साउंड शुड बी साउंड विल बी रिफ्लेक्टेड इन गुड अमाउंट गुड इंटेंसिटी। ओके, तो ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होने से तो हमको सुनाई नहीं देगा, ह्यूमन के लिए बात किया है ना, तो ये ऑडिबल साउंड के बारे में बात कर रहा है, तो ये सोच के लिखना है। कभी कभी 2 पॉइंट्स या कोई रॉन्ग पॉइंट भी सही लगता है, तो यू शुड रीड अगेन एंड अगेन एंड अप्लाई द बेसिक्स टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, तो इसे डिसाइड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इको, जैसे अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन एंड हियर्स इको इन 3 सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर, ये डायग्राम भी दिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लिफ, स्टेप्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंस। अभी डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे, तो इसमें स्पीड दिया है टाइम दिया है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें जैसे v इज इक्वल टू 2 d/t,
तो वो ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो 340 इक्वल्स टू 2d/3 ये ऑप्शन है, तो ये हमको लग रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट 340 डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सो 2d इक्वल्स टू 340 इंटू 3, डी इज इक्वल टू 340 इंटू 3/2 170, सो 510 मीटर। तो ये आ रहा है 510 मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ये ऑप्शन राइट है थर्ड। ठीक है, तो पहले फर्स्ट यूज़ करेंगे, फिर ये थर्ड यूज़ करेंगे, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट देन थर्ड। ओके, सो दिस इज द तो इसमें 2d नहीं दिया है, ठीक है, 2d/3 तो d निकाल लिया 1020, ये 2d नहीं लिया तो इसलिए ये मिस्टेक हो गया, ये दो स्टेप्स, तो ये दोनों राइट है। अभी और एक क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं, इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड चेंजेस टू 350 मीटर पर सेकेंड देन हाउ मच डिस्टेंस शुड द पर्सन मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द क्लिफ टू हियर द इको इन द सेम टाइम। अभी स्पीड बढ़ गया ना, तो टाइम सेम टाइम के लिए वो क्या करेगा, वो दूर जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गया और टाइम उतना ही लगना है, तो वो दूर जाएगा। तो टू हियर द इको इन द सेम टाइम, स्टेप्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। तो अभी यहाँ पर पहले था, ये 3 सेकेंड्स, ये आ गया 340 मीटर पर सेकेंड। अभी 3 सेकेंड्स में ही इसको आना है, तो ये थोड़ा दूर में जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। टाइम 3 सेकेंड्स है लेकिन स्पीड 350 इस केस में। तो अभी ये जो कितना डिस्टेंस मूव किया वो निकालना है ना, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस शुड द पर्सन मूव टूवर्ड्स और अवे, तो ये डिस्टेंस निकालना। तो मान लीजिए ये डी डैश है, ठीक है, तो क्या होगा, तो डी के लिए vt/2 340 इंटू 3/2 होगा, और अभी डी प्लस डी डैश के लिए क्या हो जाएगा, ये डी प्लस डी डैश, तो ये हो जाएगा 350 इंटू 3/2, तो ये आ गया। देखिए अभी डी डैश निकालना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो डी प्लस डी डैश माइनस डी डैश डी, इससे इसको माइनस कीजिए, सो 350 इंटू 3/2 माइनस 340 इंटू 3/2, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी डैश हो जाएगा 350 माइनस 340, कॉमन ले लिया मैंने, इंटू 3/2 है ना। तो ये एक पैटर्न हमको समझ में आ रहा है, तो एक्चुअली हमें वहाँ पर मार्क करना, तो क्या समझ में आ रहा है, तो ये डी डैश जो डिस्टेंस है 350 माइनस 340 इंटू 3/2 है। अभी यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स दिए देखिए, तो 340 प्लस 350 तो ये तो नहीं होगा ना। अभी ये वाला हमारा मिल रहा है, देखिए इसे हमने किया ना, तो ये 3/2 इधर लेके आइए,
सो 2d-3 350 माइनस 340 होगा, लेकिन माइनस करना पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन राइट है। तो फर्स्ट सेकंड होगा, सेकंड होगा, तो सेकंड वाला जो पार्ट है आप देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शंस में सेकंड है। तो पहले ये सेकंड ए हो सकता है, ए हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट फर्स्ट में दिया है, तो ये होगा पहले, फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा। तो डी डैश इज इक्वल टू ये 10 हो गया, 10 × 3/2 तो 15 मीटर हो गया, 15 मीटर, तो ये आपको फोर्थ वाला 15 मीटर, सो पहले सेकंड फिर फोर्थ, तो ये ऑप्शन राइट है। देखिए तो समझ में आ गया, तो ये आपको करना है, थोड़ा ये सोचना पड़ेगा आपको, तो लेकिन ये स्पीड बढ़ गया ना तो टाइम उतने में आना है, तो द डिस्टेंस शुड बी मोर, ओके, फॉर मेंटेनिंग सेम टाइम, इसलिए मैंने ये अवे लिया, टाइम स्पीड कमा देंगे तो ये फिर उसके तरफ जाना पड़ेगा, टूवर्ड्स दिस, एनीवे उसमें भी माइनस करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये बड़ा होगा तो इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन सा एक्सप्रेशन है यहाँ पर, वो सिलेक्ट करना है, ओके। तो ये न्यूमेरिकल है, बल्कि 4 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का ऑप्शंस में इसमें आ जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया, अभी क्वेश्चन 4 में जाते हैं ना। क्वेश्चन 4 में स्टेट विच लेंस हैज़ द मैक्सिमम पावर, अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, थिक लेंस, थिक लेंस लेस फोकल लेंथ मोर पावर, क्योंकि पावर इक्वल्स टू 1/f होता है, तो जिसका कम फोकल लेंथ होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, और थिक लेंस का कम फोकल लेंथ होगा, ठीक है। और एक चीज़ आइडिया में बता देता हूँ आपको, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में भी आपको हेल्प होगा, जैसे ये थिक लेंस है, तो इसका जो स्फेयर है वो छोटा बनेगा, ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगा। तो यदि थिन लेंस हम लेते हैं, ऐसा एकदम थिन लेंस ऐसा लेते हैं, तो देखिए ये इतना सरफेस जो है एकदम, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिगर स्फेयर, तो बिगर स्फेयर तो मोर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मोर फोकल लेंथ, तो इसलिए तो ये इस तरह से याद कीजिए, तो जितना पतला लेंस होगा थिन लेंस, फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर कम हो जाएगा। तो कौन सा फिर देखेंगे, थिक लेंस लेस फोकल लेंथ एंड मोर पावर, तो मैक्सिमम पावर थिक लेंस का होगा, तो आंसर हो जाएगा क्यू, क्यू इज द आंसर। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक सेल व्हाइल इन यूज द चेंज इन एनर्जी इन फॉर्म, सो कौन सा एनर्जी चेंज होगा, इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, उसके बाद उस इलेक्ट्रिकल को हम दूसरे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, तो बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सो योर क्वेश्चन इज इन द सिंपल पेंडुलम मास ऑफ द बॉब इज 80 ग्राम, ए एन सी आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, ए एन सी आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, बी इज द मेन पोजिशन एंड देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड द बॉब हैज़ वेलोसिटी 5 m/s एट बी, सो वेन इट क्रॉसेज दिस मेन पोजिशन इट हैज़ 5 m/s, और जब मेन पोजिशन में जाता है तो तभी उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, वाई, बिकॉज पेंडुलम
सो इन एक्सट्रीम पोजिशन इट कम्स टू रेस्ट, सो योर काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. एंड व्हेन इट कम्स टू दिस मीन पोजिशन देन हियर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ कम टू द रेफरेंस लाइन. देखिए इसमें हाइट बढ़ गया है ना, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा. मोमेंटरीली वेलोसिटी इज़ ज़ीरो हियर, सो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होता है कि वेलोसिटी इज़ ज़ीरो. ओके, अभी जब ये यहाँ आएगा तो देखिए हाइट जो है रिफरेंस लाइन में है, तो हाइट ज़ीरो लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो क्योंकि एच ज़ीरो. एंड देन वेर विल बी दिस पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टोटली इंटू काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है. तो अभी यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, चलिए. एट पॉइंट ए बॉब विल हैव काइनेटिक एनर्जी ओनली, तो ये फॉल्स हो गया. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि ए इज़ द एक्सट्रीम पोजिशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो. ओके, सो फॉल्स. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब इज 1000 जूल. अभी इसमें क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो यहाँ जो काइनेटिक है वो यहाँ जाके टोटल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर ले सकते हैं. हाफ मास दिया है 80 ग्राम और वेलोसिटी दिया है 5, तो आप ब्लाइंडली पुट कर देंगे तो 1000 आंसर आएगा जो कि रॉन्ग है. ठीक है, क्योंकि ये 80 ग्राम है और ये मीटर पर सेकंड में दिया है, देन इट विल बी 1 जूल हो गया. तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज 1 जूल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, तो मैक्सिमम पोटेंशियल इज आल्सो 1 जूल क्योंकि यही एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाता है. तो अभी ऑप्शन क्या है, देखिए 1000 जूल दिया, तो ये 80 ग्राम को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो 1000 आता, तो इसलिए वो दिया है कन्फ्यूज़ करने के लिए. आपको लग सकता है हाँ 1000, इफ़ यू डोंट कन्वर्ट दिस 80 ग्राम देन यू विल गेट 1000 एंड यू कैन मार्क दिस पॉइंट करेक्ट, बट एक्चुअली दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट है एट डी काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ये जो इंटरमीडिएट पोजिशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये भी फॉल्स है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजिशन. नेक्स्ट है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन बाई द बॉब इज 1 जूल, सो ये राइट है, सो दिस इज करेक्ट. और हियर आई हैव मिस्ड वन, द मैक्सिमम हाइट इज 125 सेंटीमीटर. तो चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं. अभी काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 1 जूल विच इज एम जी एच. ओके, सो एम है 80/1000, जी 10 दिया, हाइट निकालना है, देन 4/5, सो एच इक्वल्स टू 5/4, सो 1.25 मीटर, सो ये 125 सेंटीमीटर, ये राइट है. सो दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर बट दिस वी आर गेटिंग 1.25, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. मैक्सिमम हाइट इज 125 सेंटीमीटर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ओके. एट पॉइंट बी एनर्जी इज इक्वल टू 1000 जूल, तो अभी हमने यहाँ पर कितना निकाला काइनेटिक एनर्जी एट बी इज 1 जूल, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो सी एंड ई आर करेक्ट, सो 2 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ मीडियम. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इन डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू रेयरर मीडियम. सो एज कम्पेयर टू रेयरर मीडियम,
तो ये कुछ अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। कैन टेक प्लेस एट एनी एंगल ग्रेटर देन 42 डिग्री, सो दिस 42 डिग्री इज़ ओनली फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। तो जैसे डायमंड में 25 डिग्री है, तो ये फॉल्स है। ओके, एंड नंबर सी, रिफ्लेक्शन डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ऑब्वियसली द रिफ्लेक्टेड रे ओबे द रिफ्लेक्टेड रे ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कैन टेक प्लेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर, इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर दैन और मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट नंबर 23, इसमें जाते हैं। तो ये डायग्राम दिया है, प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। अभी ये रे दिया है पी क्यू एंटरिंग इनटू द प्रिज्म, देन इट्स रिफ्लेक्टेड हेयर ऑन द सरफेस ए सी एंड रिफ्रैक्टेड हेयर। सो द फिनोमिना एट द सरफेस ए सी, तो ए सी में कौन सा फिनोमिना हो रहा है, ये देखिए, लाइट इज बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर पता चल रहा है, इट इज़ कमिंग बैक टू द ग्लास ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए सी, ए सी तो इसमें ही कितना एंगल है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। तो ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज 90, दिस इज 30, सो दिस विल बी 60, दिस इज 90 बिकॉज इट इज़ गोइंग अनडेविएटेड। इफ दिस इज 60 90, देन दिस विल बी 30, and this angle is 60 degree, which is the angle of incidence, 60 degree. So answer is 60 degree, 60 degree is the answer. ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा क्लास 7 का ज्योमेट्री लगाना है। तो फिर से मैं बताता हूँ, 30 60 90 है ये, तो ये 60 होगा, तो 60 और ये 90, तो ये 30 होगा, देन 90 माइनस 30 इज 60, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मत लीजिएगा, फिर आप मार्क कर देंगे 30 डिग्री, तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके ओके, तो ये हो गया, अभी ये 60 हो गया, तो ये भी 60 हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ द नॉर्मल, टोटल 90 डिग्री होना। तो अभी इसमें देखिए 30 30 60 डिग्री, देन दिस एंगल इज टोटल 120। इसमें यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये 120 आ रहा टोटल, तो दिस इज 90, दैट मीन दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, 120 माइनस 90 30 डिग्री। सो दिस 30 डिग्री इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज this is the incident ray and this is the normal, so 30 degree. So that's what angle of incidence at AB is 30 degree. So next question, ye to 30 degree hoga, so this option is correct for AB, 30 degree. Okay, then we'll go to the last question. Which of the following is wrong? So speed of light ray PQ is equal to speed of ray ST. PQ and ST. देखिए डायग्राम यहाँ पर है, PQ and ST. दोनों एयर में है, लेकिन यहाँ पर बताता है speed of light PQ is equal to रे एस टी, तो दोनों एयर में हैं, तो ये करेक्ट है, बट हमको खोजना है कौन सा रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, रे ऑफ क्यू आर, मैं डायग्राम फिर से बना लेता हूँ यहाँ पर। पी क्यू आर एस
टी। चलिए अब आसान हो गया, पहला हो गया राइट है। स्पीड ऑफ क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, तो ये भी राइट है बिकॉज बोथ द रेज आर इन द ग्लास। देखिए सेम मीडियम सेम स्पीड, ये याद रखना। स्पीड ऑफ पी क्यू, देखिए ये पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस, पी क्यू ग्रेटर देन आर एस, तो ये एयर में है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ पी क्यू ग्रेटर देन स्पीड ऑफ आर एस, तो पी क्यू एयर में है और आर एस ग्लास में, तो एयर में तो स्पीड ज़्यादा होता है, तो ये भी राइट है। स्पीड ऑफ आर क्यू ये इनसाइड द ग्लास इज ग्रेटर देन एस टी आउटसाइड द एयर, तो ग्लास में जो स्पीड कम होता है लेकिन ये ग्रेटर है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। मीन्स दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज रॉन्ग, सो दिस इज द करेक्ट आंसर नंबर डी। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।